नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा। बिल में पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद और हाय हाय की नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश की गई। रूल बुक फाड़ी, माइक तोड़ा। आप इसे काला कानून बता रही है विपक्ष का आरोप है। सरकार आज ही बिल क्यों पास कराना चाहती है? सरकार बस बिल पास कराना चाहती है। रामगोपाल यादव ने कहा किसानों को कमजोर ना समझे सरकार। नरेश गुजराल ने कहा कि बाद राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर मुहर लग चुकी है। जोरदार हंगामा विपक्ष करता रहा, लेकिन क्योंकि इस वक्त बहुमत है बीजेपी के पास में दोनों ही सदनों में, और जो गणित इस वक्त बीजेपी का है वो दोनों ही सदनों में मजबूत है। इस बीच राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मुहर लग चुकी है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का, कृषि बिल पास हो चुका है। राज्यसभा के अंदर भी लगातार प्रोटेस्ट अपोजिशन की ओर से किया जाता रहा। हाउस एडजॉर्न कर दिया गया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हो गया। संजय सिंह पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ में है। संजय जी, जोरदार हंगामा, विपक्ष की पूरी जोर आजमाइश के बीच में सरकार की कोशिश कामयाब? पूरी तरह से कामयाब रही है, और लोकसभा में तो परसों बिल पास हुआ ही था। राज्यसभा में थोड़ा अंक का जो गणित था बहुत टाइट है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास, लेकिन यहाँ पर भी ये बिल पास होना सरकार की मंशा के अनुरूप काम चल रहा है। और इस बिल के बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं कि लोगों में या किसानों में एक अलग तरह का भाव फैलाने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। मूलतः तीन बिल हैं कृषि के, और तीनों बिल जो है अलग अलग तरीके के हैं, और जो जिसका विरोध हो रहा था जिस बिल का, वो है मूल्य तय करने वाला जो बिल होता है किसानों की फसल का, वो उसको लेकर के भ्रम फैलाई जा रही थी। और अकाली दल की जो मंत्री हैं सिमरजीत कौर ने इस्तीफा दिया, तो इससे बड़ा भ्रम फैला। लेकिन सच्चाई यही है कि यह बिल किसानों के हित का है, उनके लिए बड़ा मार्केट बन रहा है और उनके लिए जो मूल्य तय करने की। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़ गए। मैं आपके पास संजय जी वापस लौटती हूँ। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और कैलाश जी, मुबारकबाद आप लोगों को, क्योंकि दोनों ही सदनों में बिल पास हो चुका है। इस बीच विपक्ष के जोरदार हंगामे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा, वास्तव में किसान के लिए बहुत ही लाभकारी। जी, संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से 18 दिनों के लिए इस सत्र का आगाज हुआ और अब तो शनिवार रविवार को भी कामकाज चल रहा है और आज रविवार है, उसके बावजूद भी सदन में कार्रवाई चलती रही और राज्यसभा के अंदर अब जो बिल है वो पास हो चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मुहर लग चुकी है। संजय सिंह लगातार बने हैं। संजय जी, बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि ये जो जिस बिल का विरोध अकाली दल और बाकी जो विपक्ष कर रहा है, वो जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि यह बिल जो एमआरपी के लिए था, जो किसानों की उपज का जो हर साल सरकार रेट तय करती है, कीमत तय करती है, उसको लेकर के था। तो उसमें जो चेंज हुआ है वो ये है कि पहले सिर्फ जो रेट सरकार तय करती थी उसी रेट पर किसान बेच सकता था, लेकिन इस नए बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि आप उससे अधिक पर बेच सकते हो और जो अपनी कीमत तय करना चाहे उस पर बेच सकते हो। यानी कि सरकार तो निर्धारण करेगी, एक न्यूनतम मूल्य तो निर्धारित करेगी, लेकिन उसकी बाध्यता किसान की नहीं होगी, वो चाहे तो उससे अधिक कोई बेच सकता है। दूसरा जो संशोधन किया गया है कि मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कैलाश जी एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ में। कैलाश जी, बात पूरी कीजिएगा। देखिए, दुर्भाग्य है कि देश के अंदर विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं है जी। और यह बिल किसानों के लिए बहुत ही जबरदस्त हितकारी था और किसानों की बहुत पुरानी मांग थी। अब ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार नागरिक संशोधन बिल के मैं लोगों को भ्रांति फैलाकर देश के अंदर कुछ अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसी प्रकार किसानों को भी हम भड़का दें। मैं समझता हूँ विपक्ष जवाबदार विपक्ष नहीं है। विपक्ष को खुद को समझना चाहिए कि वास्तव में यह बिल किसानों के लिए बहुत हितकारी है। जो जो उन्होंने शंका व्यक्त की थी वो सबके जवाब हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने दिए, नड्डा जी ने दिए और प्रधानमंत्री जी ने दिए। उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, पर जानबूझकर विरोध करके देश के अंदर एक वातावरण को खराब करने का विपक्ष भूमिका अदा कर रहा। मैं समझता हूँ इस प्रकार के विपक्ष की भूमिका की मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, आज जो हुआ कार्रवाई के दौरान में उपसभापति के सामने ही रूल बुक को फाड़ दिया गया, वेल तक पहुंच गए विपक्ष के नेता, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जबरदस्ती सिर्फ
सिर्फ मीडिया में स्थान पाने के लिए इस प्रकार की हरकत पार्लियामेंट के अंदर होती रहती है, और वास्तव में जो वहां पर रूल बुक को फाड़ कर एक संसदीय मर्यादाहीन काम किया है, उससे देश के अंदर पार्लियामेंट की और प्रजातंत्र की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। मैं समझता हूँ कि इसका की जितनी निंदा की जाए उसकी। अच्छा कैलाश जी, सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है वो एमएसपी को लेकर है। सरकार बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी इससे अलग है, लेकिन विपक्ष फिर भी इसी पूरे विषय को लेकर बार बार सरकार पर आक्रामक हो रहा है, और बार बार ये टीएमसी ने तो आज ये तक कह दिया कि सरकार धोखा दे रही है। मैं चाहूंगी इस पर भी आप लोगों को जो स्थिति है वो स्पष्ट करें। देखिए, बहुत साहब से कृषि मंत्री जी ने कल कहा कि एमएसपी लागू रहेगी, यदि किसान मंडी में बेचना चाहे तो उसको एमएसपी का मूल्य मिलेगा, पर यदि बाहर ज्यादा मूल्य पर खरीद रहा है तो वो भी बेचने का उसका अधिकार है, दूसरे राज्य में भी बेच सकता है वो, क्योंकि मंडी शुल्क। कैलाश जी, मैं आपके पास भी वापस लौट रही हूँ। प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। धन्यवाद प्रमोद जी। पूरी जोर आजमाइश आप लोगों की ओर से की गई, खूब जोरदार हंगामा भी हुआ, और आपका जो अपना ऑब्जेक्शन था वो भी दर्ज हुआ, लेकिन इस बीच राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो चुका है। जी हाँ, इसकी संभावना थी कि सरकार और सरकार के साथ जिन पूंजीपतियों का फायदा होने जा रहा है मिलकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्यसभा में बहुमत जुटा लेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड कल था वो आज भी है कि हम इसका सदन में विरोध करेंगे, सदन के बाहर सड़कों पर करेंगे, न्यायालय में करेंगे, और अगर इन्होंने उसके बाद भी इसे वापस नहीं लिया तो फिर तयशुदा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर पहली कैबिनेट बैठक करके इस बिल को खत्म करेगी, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है, किसानों के लिए आज काला दिन है कि उनकी नए जमींदार बनाए जा रहे हैं, जिस जमींदारी का विनाश किया था कांग्रेस ने, अब कृषि के क्षेत्र में नए जमींदार लाए जा रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, बीजेपी ये कह रही है, अभी कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना यह है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने के लिए बेफजूल में हंगामा कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ठीक है, हम विरोध पक्ष में, हम विरोध करते हैं, हमें उनकी बात नहीं समझ में आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो ये भी यही करती थी कि हम तुमसे कच्चा माल लेंगे और तुम्हें इसका ज्यादा मुनाफा देंगे, और एक दिन दुनिया ने देखा क्या किया, हम सैकड़ों साल उस गुलामी से नहीं आजाद हो पाए, आज भी वही है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चलिए हम तो नहीं समझ पाए, हम ना समझ पाए, पर 25 साल से ज्यादा से जो सबसे पुराना एलआई था, सबसे पुराना गठबंधन था कांग्रेस भाजपा अकाली दल का, जो अटल जी के टाइम में रहा, जो मोदी जी के साथ भी लगातार रहा, उसकी कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर ने, यानी कैबिनेट में कुछ। अच्छा प्रमोद जी, आज भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस जो इतनी मसीहा बनती है, 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस ने किसानों के हित में कदम क्या उठाए, जो आज इतनी जोर शोर से किसानों की मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं, उसने किसानों के लिए किया क्या? किसानों को लूटने का काम तो खुद कांग्रेस ने किया, उनके हितों की परवाह कभी कांग्रेस ने की नहीं, लेकिन आज बहुत मसीहा बनने की बात कर रही है। दो आंकड़े मैं दे दूं। जरूर। इंदिरा गांधी के आने के पहले 1965 में जब युद्ध हुआ था तो शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि एक समय हम खाना ना खाएं, सोमवार को उपवास करें, यानी अनाज की इतनी कमी थी। दूसरा, PL 480 में जब गेहूं आता था, 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश मुक्त संग्राम छेड़ा, तो उस समय उन्होंने कहा था हम PL 480 बंद कर देंगे, इंदिरा जी ने कहा बंद करो या जो करो हम करेंगे, और वो लाई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। आज उस समय का 60 करोड़ का हिंदुस्तान जो भूखा था, आज 130 करोड़ का हिंदुस्तान पर्याप्त राशन ही नहीं है। आज ये मोदी जी जो खैरात बांट रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पर प्रमोद जी एक हकीकत तो मैं भी देख रही हूँ 10 सालों की इस पत्रकारिता में, किसान
आपके शासनकाल में भी रो रहा था और किसान आज भी रो रहा है। किसान तब भी फांसी के फंदे पर लटक रहा था और किसान आज भी फांसी के फंदे पर लटक रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर है। सर एक सेकंड बस मेरा सवाल कंप्लीट सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बीजेपी ये कह रही है कि जो इस वक्त एक तंत्र है जहां पर ये बिचौलिए लगे हुए हैं, जो किसानों की रकम को डकार जाते हैं, जो किसानों के हितों को पूरा नहीं होने देते, हम उस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस का उस पर ऑब्जेक्शन क्या है, मैं वो समझना चाह रही हूँ। जरा मैं आपको समझा देता हूँ। नोटबंदी जब हुई थी तो वो भी हमारे फायदे के लिए हुई, यही तो समझाया था भाजपा ने। जीएसटी ने उस समय भी यही समझाया था कि इससे व्यापार में वृद्धि होगी, तो वहां गिरावट हुई नोटबंदी के बाद। आज -25.3% GDP पे आप पहुंच गए। अब आइए एग्रीकल्चर पे। सवाल सीधा सा ये है कि आज किसने रोका है किसान को कि वो किसी को नहीं बेच सकता? कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई प्रतिबंध है कि जो नई चीज ये ला रहे हैं उसे जहां सही दाम मिल रहा है वो बेचने के लिए स्वतंत्र है? दो तीन चीजें होती जिनका इंटर स्टेट मूवमेंट रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है, वो आज भी कायम रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज अगर उनके पास MSP ना हो किसानों के लिए, जो पहली बात, एक आंकड़ा आपके पास अगर स्टूडियो में हो तो ऑन करके गूगल पे देख लीजिए कितने लोगों ने सुसाइड किया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 6 साल किसानों ने, और कितना कांग्रेस के 60 सालों में किया है। आप ताजुब करेंगे कि 6 साल की संख्या ज्यादा है, राज्यसभा में मैं बोल चुका हूँ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस समय जो थे उन्होंने यही जवाब दिया था कि इत्तेफाक से इधर बढ़ा है। वो छोड़िए, दूसरी बात पे आ जाइए। आज सीधा सा सवाल ये है कि कोई नई चीज इसमें होने नहीं जा रही, प्राइवेट प्लेयर ला रहे हैं आप MSP को ये क्यों नहीं कह देते? MSP का मतलब यही होता है कि किसान को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे जिससे उसको घाटा ना हो। तो अगर उसको घाटा होगा तो कौन बचाएगा? MSP आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे इन लोगों के सहारे। और अगर आप MSP रखना है जो कह रही है बीजेपी, तो हमारा एक सीधा सा बहुत सिंपल बड़ा इनोसेंट सा है कि जो ये एक्ट लाए इसमें डाल दीजिए कि MSP खत्म नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगी। ये एश्योरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है किसानों को? अगर नहीं दिया जा रहा है तो हमें, अगर आपकी नीयत पे शक हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? फिर भी आइए और आगे आइए, हमको तो आप समझा लीजिए, पर पहले अपने सहयोगियों को तो समझाइए। आज कितने सहयोगियों ने साथ नहीं दिया? अकाली दल छोड़िए और जो लोग थे उनको क्यों नहीं समझा पाए? वो भी तो उनके साथ नहीं गए। ठीक है प्रमोद जी, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार धोखा देने की ओर बढ़ रही है, ये निजीकरण की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है और निजीकरण के जरिए किसानों के हितों पर भी डाका डाला जाएगा। ट्वीट कर कृषि विधेयकों पर बोले हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। APMC किसान मार्केट खत्म होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? इस बिल में MSP की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए इस MSP के जरिए किसानों को एक प्राइस निश्चित कर दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर बिक्री होती है, जिससे नीचे गिरकर कीमत पर किसान का जो अनाज है वो नहीं खरीदा जाता। बार बार किसान इसी MSP को बढ़ाने की मांग करता रहा, लेकिन जो 3 विधेयक अब सरकार लेकर आई है जो कि आज राज्यसभा के अंदर भी पास हो चुके हैं, उसको लेकर कांग्रेस का संशय ये है, बाकी और विपक्षों का संशय ये है कि सरकार MSP को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देती है। मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को APMC किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा, राहुल गांधी का सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो पूछते हैं कि MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा, राहुल गांधी के 3 ट्वीट हैं और इन 3 ट्वीट के जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 3 जो उन्होंने सवाल पूछे हैं इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा, दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि MSP की गारंटी क्यों नहीं दे रहे, मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। यानी देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा ये एजेंडा इस वक्त है, वो ये कह रहे हैं कि निजीकरण की ओर यह कदम बढ़ाया जा रहा है और किसानों के साथ में धोखा चल रहा है, उनके हितों की परवाह नहीं कर रही है बीजेपी, बल्कि उनके हितों पर डाका डाला जा रहा है।
और इस बीच बड़ा अपडेट आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। एनडीए के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार चुनावों पर बीजेपी की दिल्ली में आज अहम बैठक। जेपी नड्डा के अमित शाह से आज बिहार चुनाव पर अहम मुलाकात। भूपेंद्र यादव देवेंद्र फडणवीस के भी बैठक में शामिल होने की संभावना। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आज बीजेपी अपना फॉर्मूला तय करेगी। जेडीयू एलजेपी के साथ सीट बंटवारे पर आज फॉर्मूला निकाला जाएगा। नीतीश और चिराग विवाद जो है उसको सुलझाने की भी आज कोशिश होगी। अमित शाह के स्वस्थ होने के बाद आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिये बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सबसे बड़ा जो इस वक्त सरदर्दी बनी हुई है, जो हेडेक है बीजेपी का, वो ये कि इस वक्त चाहे एलजेपी की बात हो, जेडीयू की बात हो और बीजेपी की बात हो, इसमें जो सीट शेयरिंग है वो सीट शेयरिंग कैसे की जाए, क्योंकि जेडीयू का ये कहना है कि हम सबसे ज्यादा जो टिकट है वो अपने पास रखेंगे, सीट हमारे पास होंगी और हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको एलजेपी को हिस्सा देना है तो आप अपने हिस्से में से आप जरूर हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने हिस्से में हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। और प्रयागराज में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा लगातार जारी है। भारी बवाल देखकर पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की ग्रामीणों की ओर से। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज इब्राहिमपुर का यह मामला। जरा तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई और उस पत्थरबाजी के बाद में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया और यहाँ से भीड़ को तितर बितर किया गया। सड़क हादसे के बाद में जो ग्रामीणों हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा था। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए आखिरकार जो पुलिस है उसने फायरिंग शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सड़क हादसे के बाद में ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया था। देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस दौरान में कई पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो घायल भी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। कई हवाई फायरिंग के साथ साथ लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया गया और शायद आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए। राज बहादुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रयागराज जुड़ गए। राज बहादुर, क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई भीड़ को तितर बितर करने के लिए? राज बहादुर आवाज पहुंच रही है क्या? शायद आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत का। इस बीच देखिए तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत के बाद में जोरदार हंगामा शुरू हो गया था। नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज इब्राहिमपुर का ये पूरा का पूरा मामला है। प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई हवाई फायरिंग भी की गई ताकि जो भीड़ है वहां से उसको हटाया जा सके, क्योंकि भीड़ से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और भारी बवाल को देखते हुए आखिरकार पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़क हादसे में जान चली गई थी दो भाइयों की, दो सगे भाइयों की, जिसके बाद में ग्रामीणों की ओर से जोरदार हंगामा शुरू कर दिया गया। सड़क पर पड़े ये पत्थर आपको चीख चीख कर बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल आमने सामने आ गए पुलिस और ग्रामीण, उसके बाद में जोरदार पत्थरबाजी शुरू हो गई। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से जो हंगामा किया गया था उसे कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। राज बहादुर हमारे साथ है। राज बहादुर, क्या अपडेट है फिलहाल? जैसे कि आपको हम बता दें, लाल गोपालगंज थाना क्षेत्र के मेन हाईवे पर दो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक से जो साइकिल से जा रहे थे, उस बॉडी को लेकर ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया था। जो कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उस जाम को हटाने की कोशिश की, जो आम जनता ने पुलिस के ऊपर पुलिस को देखते हुए पथराव चालू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं पुलिस वाले, जो की पुलिस को लाठीचार्ज करना भी पड़ा और गन गोली और रबर गोली का प्रयोग करना पड़ा। इस समय अगर मौके की बात करें कि कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर एसएसपी मौके पर मौजूद, लाइन ऑर्डर कंट्रोल में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मार रही है, पुलिस फायर भी की है। एक लोगों की हत्या हो गई है, लहाज मौके पर रखकर पुलिस वाले ने सबको मार रही है। पुलिस फायर भी की है। भारी बवाल देखकर पुलिस ने हवाई फायरिंग की। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क हादसे के बाद जोरदार हंगामे को देखते हुए पुलिस को सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की। एक लोगों की हत्या हो गई है, लहाज मौके पर रखकर पुलिस वाले ने सबको मार रही है। पुलिस फायरिंग भी की है।
एक लोगों की हत्या हो गई है, लहाज मौके पर रखकर पुलिस वालों ने सबको मार।